ईश्वर के आगे हर कोई पापी है। बाइबल कहता है कोई भी धर्मी नहीं है, हर कोई पापी है। और यदि कोई कहता है मैंने पाप नहीं किया है, वो खुद को झूठ ठहरा रहा है, कहता है बाइबल। सभी ने पाप किया है और ईश्वर के आगे खड़ा होना पड़ेगा एक दिन। कोई व्यक्ति भी ये नहीं कह सकता है कि मैं तो कभी नहीं मरूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। हर कोई एक दिन मरना पड़ेगा और मृत्यु निश्चित है। कोई भी इस दुनिया पर अनंत के लिए नहीं आया है। कोई 60 साल, कोई 70, कोई 50 साल में मर जाता है। क्या पता मैं कल ही मर जाऊं। आज इधर बात कर रहा हूं, इंसान का जीवन का कोई भरोसा नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन मरने के बाद क्या? मरने के बाद जब हम ऊपर जाएंगे, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर जाके पहले एक बार हिसाब देना पड़ेगा ईश्वर को कि पृथ्वी में रहते वक्त हमने क्या काम किया है। उसके काम के आधार पर उसको न्याय किया जाएगा। और ऊपर जाने के वक्त में वहां पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप हिंदू हैं तो काउंटर नंबर 5 में चले जाइए, आप मुसलमान हैं तो काउंटर नंबर 2 में चले जाइए, आप क्रिश्चियन हैं तो काउंटर नंबर 1 में चले जाइए, ऐसा नहीं कहेगा। ईश्वर सिर्फ यही पूछेगा कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह का रूप लेकर ये दुनिया में आया तेरा पाप को क्षमा करने के लिए, तुझे माफी देने के लिए, तूने मुझ पर विश्वास किया कि नहीं। तब आप और मेरा जवाब क्या रहेगा? यदि आप और मेरा जवाब रहेगा मैंने तो विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर आपको उसके देश पर प्रवेश करने नहीं देगा और एक ऐसे जगह पर आपको भेजा जाएगा जो जगह पर आप अनंत हजारों लाखों करोड़ों साल अब दंड के आप भागीदारी बनेंगे और वहां से कभी निकल नहीं पाएंगे। बाइबल कहता है कि वो अनंत काल है। बाइबल कहता है कि वहां से कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि हर वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहरता है। तो इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन को बदलता है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे क्षमा देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देता है, सिर्फ शरीर में नहीं हमें आत्मा में चंगाई देता है। प्रिय भाई और बहनों, दुनिया को देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि लोग आज हर एक व्यक्ति अपने अपने रास्तों पर भटके हुए हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको क्षमा करता है। ये दुनिया में बहुत से लोग आया और बहुत से लोग ने कहा कि मैं ईश्वर हूं। ये दुनिया में आके मैं ईश्वर हूं कहना कोई बड़ा बात नहीं है। बहुत से लोग आया लेकिन मर के चला गया। हर किसी का कब्र मिलेगा आज, लेकिन यीशु मसीह का कब्र नहीं मिलेगा। उसने कहा कि मैं मरूंगा, 3 दिन बाद मैं जीवित हूंगा, और मर के वो जीवित हुआ। और ये बात ये प्रमाण करता है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो हमें पापों से बचाता है और वो ही हमें सिर्फ और सिर्फ बचा सकता है। और यीशु मसीह ने ये भी कहा कि एक दिन मैं आऊंगा इस संसार में फिर से, और जो कोई मुझे विश्वास करता है और जो कोई मैंने जो वचन कहा है उसके आधार पे वो चलता है तो उसको मैं लेने आऊंगा। लेकिन जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा उसको वो लेने नहीं आएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए। वो आपको प्रेम करता है। असल में जो रेप किया उसको जेल जाना था, ये चाहिए था, सजा भुगतना चाहिए था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब सब इसका सजा का कीमत मैं चुकाऊंगा, इसको छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह ने वही काम किया। असल में आप और मुझे दंड भोगना था, असल में आप और मुझे क्रूस पर चढ़ना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरा उद्धार को चुका दिया, आप और मेरा बाकी को चुका दिया। आप और मेरा जो भी हम लोगों ने उधार लिया है ईश्वर से, हम लोग जो पाप किया है उसका दंड हमें भोगना चाहिए, लेकिन उसका दंड जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दे दिया। अभी हम लोगों को दंड का भागीदार नहीं बनना है, उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप लोग जितने भी आए हो और ये परमेश्वर का ईश्वर का वचन को आपने सुने हो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारो। कितने देर आप लोग यहाँ पे बैठकर अपने घर में चले जाएंगे, फिर आज कैसा आपका जीवन गया वैसे आपका जीवन जाने मत दो। जब आप अपने घर में जाएंगे तब आप पूछिए, अपने आंखों को बंद कर मन को लगा कर, ईश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं आपको जानना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप कौन है? मेरा जीवन पाप से भरा हुआ है, मैं पाप से माफी पाना चाहता हूँ, मैं पाप से क्षमा पाना चाहता हूँ। मेरे जीवन में मैंने बहुत गलत काम किया है, प्रभु मुझे क्षमा कर। लेकिन यीशु के नाम में यीशु को पुकारिए, वो आपको सुनेगा।
यीशु आपको उधार देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे।